तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी हैट को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए दो चीज़ें हैं सबसे मेन। किसी भी साइज़ का बनाएं आप, चाहे बच्चे का बनाएं चाहे बड़े का बनाएं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से, जैसे मेरे पास ये डमी है, इस तरीके से आप इसको रखिए। मीन्स हम अपने आगे से लेके सर के इधर तक हम इसको नापेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये वाला डिस्टेंस नापेंगे, तो जैसे कि ये यहाँ पर 56 है, ठीक है, 55, 56 इस तरीके से है। इसके बाद ये आपका हो गया सेट सर्कमफ्रेंस, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आपको कैप अगर आप कोई बना रहे हो तो आपको कहाँ तक उसका जो बॉर्डर बनता है कहाँ तक चाहिए। तो अगर आप कान के ऊपर तक रखना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से नापिए, ये देखिए ऊपर उठाते हुए, और अगले कान तक नापिए। जैसे कि ये 29 सेंटीमीटर है, अगर कान के नीचे तक, ये देखिए कान पूरा कवर होने तक चाहिए, तो इस तरीके से इसको रखिए ऐसे ऐसे, और इसको इस तरीके से आप नापिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैप किस तरीके से बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, इसी हिसाब से आपके स्टिचेस डिवाइड होंगे, बनते हैं, पूरा कैप फॉर्मेशन आपका इसी के बेस पे होगा। तो देखिए यहाँ पर आप जिस भी यार्न से, आप जो भी यार्न पिक करेंगे बनाने के लिए हैट को, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला यार्न यूज़ किया है, वैसे तो ये डीके वेट यार्न है या 4-ply यार्न है ना, तो ये थोड़ा मोटा है। तो अगर आपको इस तरह की एक अच्छी सी रिबिंग पैटर्न चाहिए, देखिए ये कैप बिल्कुल सिंपल बनेगी पर इसका जो रिब होगा और ये लुक होगा वो बहुत ही अलग होगा, ठीक है। तो ये देखिए जो इसमें ये जो टेक्सचर आया है एकदम इवन सा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर देख पा रहे होंगे, ये नीचे ये वाला जो हिस्सा है, किसी का भी आप देखेंगे रिबिंग का जो सीधे फंदे हैं उसका एक हिस्सा दबा हुआ है, एक हिस्सा उठा हुआ है। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि मेरे पास ये जो यार्न था इसमें 8 नंबर की सलाई इसमें बोला गया था कि इससे बनाना है, पर मैंने यहाँ पर इसको 9 नंबर से बनाई है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरीके से इसमें ये निडल जा रही है, तो ये इस तरीके की मैंने इसमें 9 नंबर निडल यूज़ की है, तो जिससे ये इसकी जो रिबिंग है वो बहुत ही अच्छी आई है। ये देखिए ये इस तरीके से बना है। आप देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैट का साइज़ आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम, अगर आप रिब बना रहे हैं सीधे 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 उल्टे का फंदा बना रहे हैं, तो आप उससे कुछ फंदे लेके, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 26 फंदे लेकर यहाँ पर, और 26 फंदे लीजिए सिलाई पे, जिस भी सिलाई पे आप बना रहे हैं, और उसके बाद में करीब करीब 20 या 22 लाइन्स आप बना लीजिए सीधे उल्टे की। उसके बाद में आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखिए इस तरीके से कि आपके वो कितने सेंटीमीटर में आ रहे हैं, इस तरीके से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा, ताकि लुक अच्छा लगे, ऐसे करने में वो लुक बहुत ख़राब लगेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से रख के एक सैंपल सा आप बनाएंगे और इसको किसी पे ऐसे रख के और नापेंगे कि आपका वो कितने सेंटीमीटर में कितने लूप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर में यहाँ पर मुझे, ये देखिए 13 स्टिचेस आए हुए हैं 5 सेंटीमीटर में, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्टिच आए 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 स्टिचेस इन 1 सेंटीमीटर में आए, ठीक है। तो हमारे पास जो ये एक एम साइज़ का कैप बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 57 जो सर्कमफ्रेंस थी, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, ये 57 है, उससे उसको मल्टीप्लाई किया तो हुआ 148 फंदे आए। तो लेकिन हमें राउंड फिगर में चाहिए तो हम 144 फंदे लेंगे, जो कि हमारे 6 से ईज़िली डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि आगे चल के हम पैटर्न को इस तरीके से चेंज करेंगे तो हमें उसी मल्टीपल में चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके आप फंदे ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल फंदे 144 हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, इतना तो ये बेसिक था। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सैम्पल बना के बता रही हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसे की थी। यहाँ पर मेरे पास ये छोटी वाली राउंड नीडल्स हैं, आप यहाँ पर डबल पॉइंटेड नीडल्स भी ले सकते हैं। तो देखिए सबसे इसका जो बेसिक है, यहाँ पर मैं आपको एक सैम्पल बता रही हूँ, तो कुछ फंदे मैं आपको इस पर डालकर दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने
निडल ले ली है, कोई भी निडल आप ले लीजिए। मैं आपको बस अब पैटर्न बता रही हूँ कि इसको कैसे स्टार्ट किया था। इसको हमने डायरेक्ट फंदे डाल के सीधे ही नहीं स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको कर लिया। आप चाहें यहाँ पर ऐसे एक फंदा बना लीजिए। इस तरीके से देखिए हमने एक फंदा बनाया, इसमें इस निडल को डाल दीजिए। जो भी निडल आप बनाना लेना चाहें आप ले लीजिए। ये देखिए, तो आप देखिए यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर आप देखिए एक हमने ये बुन दिया, सॉरी फंदा बनाया। इसके बाद में देखिए इस तरीके के फंदे डालना मैंने अपने चैनल पे पहले भी बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी एक बार मैं बता दे रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो गोले से अटैच वाला है वो मेरे इस तरफ है, और जो देखिए अलग से है वो इधर है। तो देखिए फिंगर्स को हमने इस तरीके से डाला, ये वाला गोले से अटैच है। तो इसके पीछे से देखिए ऐसे दोनों ही धागों के नीचे से जाकर इसको हमने, और ये देखिए इस तरीके से एक फंदा लिया, ठीक है। दूसरी बार में अंगूठे के वाले धागे के, ये देखिए ऐसे, ये अगेन ऐसे, फिर एक बार ऐसे, इस तरीके से देखिए। तो जब आप इधर से देखिए ऐसे करेंगे ये, तो यहाँ पर ये इस तरीके के देखिए बम्प्स आ जाते हैं। तो आप जिसमें भी आपको बम्प्स दिखें तो वहाँ पर आपको उल्टा फंदा बुनना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी रिविंग एकदम से ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पे सीधा सा नज़र आएगा ये, तो इसको हम ऐसे करेंगे। फिर देखिए नीचे से जब आप इसको इस तरीके से लाते हैं, यहाँ पे देखिए टर्न हो जाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ फंदे डाल लेंगे ताकि ये हम इसको बाद में गोलाई में बुन सकें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े से फंदे डाल लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो एक यहाँ पर गांठ लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से, वैसे तो हम इसको हम ट्विस्ट करके भी कर सकते हैं, पर सेफ साइड है, इसको ऐसे हल्का सा ऐसे कर दीजिए, ठीक है। आप टर्न कर लीजिए पैटर्न। अब सबसे मेन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको ध्यान देना है कि आपके ये देखिए ट्विस्ट ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है इधर साइड है, और यहाँ पर ये देखिए आगे के साइड है। तो हमें सभी फंदे एक तरफ ही इस तरीके से टर्न कर लेने हैं, अदरवाइज़ आपका पता चला बुनते बुनते पता नहीं चलेगा आपका पैटर्न कब मुड़ जाएगा। जब आप उसको थोड़ा 2-3 इंच बना के देखेंगे तब आपको एकदम पता चलेगा कि ये तो पूरा ही गलत हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने इस तरीके से हमने इसमें कर लिया, ठीक है। देखिए सबसे पहली सिलाई यहाँ पर देखिए कैसे बुनना है, ये देखिए हल्का सा देखिए। तो यहाँ पे देखिए इधर से हमें ये सबसे पहला फंदा उल्टा दिख रहा है, तो इसको हम स्लिप करेंगे ऐसे, धागा पीछे ले जाइए और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर धागा आगे लाइए, एक फंदा उतारेंगे बिना बुने और धागा पीछे कर देंगे, फिर यहाँ पर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। तो इस तरीके से करते हुए ये वाली रो हम पूरी कंप्लीट कर देंगे। देखिए वन राउंड हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से क्या करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कम फंदे डाले थे, तो जब हम ज़्यादा फंदे डालेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी इस तरीके से बिल्कुल भी खींचना वगैरह नहीं पड़ेगा। ये देखिए अगर आप इसको 2 सिलाई पे बनाना चाहते हैं वो भी बन जाएगा, बस बाद में आपको सिलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले अगर हम इस तरीके से जब रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ये पॉइंट्स हैं, जो एज हैं, बिल्कुल एक तरफ होनी चाहिए, ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इधर हो गया, अब देखिए इसको जॉइन करना है, ये देखिए ऐसे धागा अभी हमारा इधर है, और ये देखिए सेकेंड राउंड में हम इसको जॉइन कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में जॉइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 144 जैसे हमने फंदे लिए थे तो आप 145 फंदे लेंगे, और जॉइन करते समय एक फंदे को दूसरे के ऊपर से निकाल देंगे तो आपका एक फंदा कम हो जाएगा और वो जॉइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इधर से हम ये देखिए उल्टा फंदा दिख रहा है, यहाँ से ये सीधा फंदा है। तो ये देखिए इस तरीके से, देखिए मैं आपको एक बार इसमें जॉइन करके बता देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फंदा लिया था। तो ये देखिए जैसे कि हमने इसको इसके ऊपर से ऐसे डाला और
इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है। ये तो ये हमारा उल्टा फंदा आया यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर आप मार्कर लगा लेंगे ताकि आपका ये आपको पता चले ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आप एज इट इज़ सीधा फंदा, देखिए इस बार हम सेकंड राउंड में जो बनाएंगे वो सीधे फंदे नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए इसको इस तरीके से जैसे फंदे उल्टे बुनते हैं उस तरीके से स्लिप किया, फिर धागा आगे लाए, फिर ये उल्टा फंदा दिख रहा है इसको उल्टा बुना, धागा पीछे ले गए, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरीके से आपका ये देखिए यहाँ पर ये गुलाई सी आने लगी है, ये आ जाएगी। तो बस ये देखिए दो आपकी ये रो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसी तरह आपको दो और बनानी है, एक बार आप सीधे फंदे बुनेंगे और उल्टे को उतारेंगे, एक बार आप उल्टे फंदे बुनेंगे और सीधे को उतारेंगे। तो इस तरीके से करते हुए देखिए आपकी जो एजिंग होगी वो इस तरह से आएगी। देखिए कितनी सुंदर सी एज आई है, बहुत ही प्यारी एज है ये देखिए। और यहाँ पर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला देखिए यहाँ पे थ्रेड दिख रहा है आपको। तो जब आप इसको इस तरीके से पलट कर बनाएंगे तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा ये देखिए। और इसको कोई भी लेडीज जेंट्स कैप यूज़ कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये बेस बना दिया है इसका, आप यहाँ से ऊपर से डिक्रीजिंग पैटर्न शुरू होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कितना बनाया है। यहाँ से लेके देखिए नीचे से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ऊपर तक यहाँ पर सिलाई तक अभी तक हमने इसको टोटल 9 इंच बुन दिया है। अब हम यहाँ पर डिक्रीजिंग करेंगे, तो उसके लिए देखिए कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल फंदे थे 144, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे कैप का सर्कमफ्रेंस है, इसको हम इस तरीके से देखिए तीन बराबर हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको तीन से डिवाइड करेंगे तो हमारे 48 फंदे इस तरीके से डिवाइड होंगे। लेकिन जो हमें पैटर्न बनाना है वो हमारे देखिए थोड़ा डिज़ाइनिंग में बनेगा। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आपका यहाँ से हम कुछ फंदे इधर से लेंगे और कुछ फंदे हम इधर से लेंगे। तो बीच में ये जो पोर्शन है आपका ये यहाँ पर 7 फंदे हो जाएंगे। तो एक तरफ से देखिए हम 4 फंदे ले लेंगे और इधर से हम 3 फंदे ले लेंगे। तो यहाँ पर अब आपके बचेंगे 45 इस तरफ और यहाँ पे आपके बचेंगे 44, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम मार्कर लगा लेंगे। तो देखिए मार्कर कहाँ पे लगाना है, ये 7 फंदे हैं और इनके साइड साइड में मार्कर लगाएंगे और यहाँ पर और ये देखिए। तो हमें 4 मार्कर चाहिए होंगे। तो अब देखिए कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट में हैं और मैंने यहाँ पर ये मार्कर लगा लिया ताकि मुझे यहाँ पर पता चले कि इस रो में हम स्टार्टिंग पॉइंट में हैं। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ से हम इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम पूरा अपना पैटर्न फॉलो करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए 44 फंदे बुनने हैं, तो अपना पैटर्न फॉलो करते हुए हम 44 फंदे बुन लेंगे। देखिए सीधा उल्टा का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने ये अभी तक 40 फंदे बुन लिए हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ डिक्रीज करने हैं। देखिए 40 फंदे हमने बुन लिए थे, हम 40 फंदों को पहले मार्कर लगा लेते, इसके बाद में हम 40 फंदे बुनते। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बुन रखे हैं, तो मैंने देखिए 40 फंदे ये लगा लिए हैं। अब यहाँ से देखिए 4 फंदे हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फ़र्स्ट टाइम में 44 फंदे बुनने थे। तो यहाँ पर देखिए इन 4 फंदों में हमें डिक्रीजिंग करनी है, तो ये इसी को मिलाकर हमें करनी है। तो ये देखिए 40 ये हैं, 4 ये हैं। तो आप अगर मार्किंग पहले करें तो आप 44 फंदे गिन लीजिएगा फिर मार्किंग कीजिएगा। तो ये देखिए मैं 4 ये वाली डिज़ाइन के यहाँ पर बाद में ये देखिए ऐसे ये देखिए यहाँ पर देखो मैंने बुन के रखा है, ठीक है। आप यहाँ से 7 फंदे लेंगे, देखिए 2, 4, 6 और 1, 7। तो ये 7 फंदे तो ये हो गए मार्कर।
फिर देखिए यहाँ पर अब हम 45 फंदे गिनेंगे, फिर मार्कर लगाएंगे, इसके बाद में हम 48 फंदे गिनेंगे, फिर मार्कर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम मार्किंग पहले कर लेते हैं। तो देखिए मार्किंग हमने कर ली है, जैसा कि मैंने आपको कॉपी पे बताया था। ये देखिए 40 फंदे हमने ये बुन लिए हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको फंदे देखिए कैसे लेने हैं। देखिए डिक्रीज़ करना, धागा पीछे लीजिए, आप एक फंदा स्लिप किया, दो फंदे स्लिप किए इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पर हम दो का एक कर देते हैं, ठीक है ऐसे। फिर ये वाला फंदा सीधा दिख रहा है, सीधा बुना, धागा अपनी तरफ लाइए, उल्टा दिख रहा है, उल्टा बुना, मार्कर को हम दूसरे तरफ देखिए ले लेंगे, धागा पीछे किया। अब ये जो 7 फंदे थे इनको एज इट इज बुनेंगे। ये देखिए सीधा, उल्टा, देखिए दो बुन लिए, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए बुन लिए हमने 7 फंदे सेंटर के अपने। ये धागा इधर ले लीजिए, सॉरी मार्कर, और धागा आगे लाइए। देखिए मार्कर के ये देखिए 7 फंदे सेंटर है, इसमें हमने 4 फंदे इधर से लेंगे, 4 फंदे इधर से लेंगे, ठीक है। 4 हमने ये भी बुन दिए। फिर देखिए उल्टा दिख रहा है, उल्टा बुना, सीधा दिख रहा है, सीधा बुना, दो फंदे ये हमने बुन दिए। आप देखिए यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से निडल को डालते हुए दो का एक करना है आगे से, जैसे कि नेटे टू टुगेदर, और इधर से हमने किया था स्लिप स्लिप नेट, ठीक है। तो अब हम अपना पैटर्न फॉलो करते जाएंगे नेक्स्ट मार्कर आने के 4 फंदे पहले तक। देखिए नेक्स्ट मार्कर के 4 फंदे पहले, देखिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसको कैसे करना है। देखिए पहला फंदा एक स्लिप किया, दो फंदे हमने देखिए स्लिप कर लिए, और ये देखिए स्लिप स्लिप नेट, सीधा फंदा दिख रहा है, सीधा बुना, धागा आगे लाइए, उल्टा फंदा दिख रहा है, उल्टा बुना, मार्कर को धागा पीछे करके मार्कर को उतार लीजिए। देखिए मार्कर हमने इधर स्लिप कर लिया, यहाँ पे देखिए आप एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये देखिए। अब ये जो फंदा देखिए उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, इनको हम इधर से देखिए, ये देखिए उल्टा दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है, तो इस तरीके से निडल डालकर हम दो का एक करेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट मार्कर के पहुंचने तक यहाँ पे देखिए इसको बुनते हुए जाएंगे 4 फंदे पहले तक। देखिए लास्ट एक दो फंदे स्लिप किए, और यहाँ पर हम दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है। धागा पीछे ले जाइए, मार्कर स्लिप कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे। अब ये देखिए उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, तो इसको हम इधर से आगे से निडल डालकर दो का एक कर देंगे। और यहाँ से देखिए ये राउंड का मेरा स्टार्टिंग था, तो ये पूरा राउंड एक हम बिना कोई घटाए पूरा राउंड पैटर्न सीधा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड टू, देखिए एक जो हमने डिक्रीज कर लिया था उसके बाद में हमने इसको पूरा जो जैसा फंदा दिख रहा था उसको वैसे बुना। इसके बाद में देखिए अगेन सेकंड राउंड डिक्रीजिंग का, तो यहाँ से देखिए मैं सेकंड राउंड हो रहा है, तो ये जो मार्कर आपको दिख रहा है इससे 3 फंदे पहले तक हम इसको बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए मार्कर से 3 फंदे पहले हमने इसको बुना है। आप देखिए यहाँ से इस तरह से दो फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको ऐसे स्लिप किया और दो का एक कर दिया, धागा इधर लाइए, ये देखिए एक फंदा उल्टा दिख रहा है, उल्टा बुन दीजिए, धागा पीछे, मार्कर को हम चढ़ा लेंगे, और ये 7 फंदे हैं इनको हम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बुन लिया, मार्कर इधर कर लीजिए,
आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप देखें जब भी आप डिक्रीजिंग करेंगे तो आपके सीधे फंदे ऊपर आने चाहिए। जैसे हमने देखें यहाँ पर डिक्रीज़ किया था पहला, फिर यहाँ पे किया, ये सीधे फंदे एक लाइन सी बनाते जाएंगे, एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न बनता हुआ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये पहला फंदा उल्टा है, दूसरा फंदा सीधा है, तो हम दो फंदे देखिए इस तरीके से आगे से निडल डालकर दो का एक कर देंगे और बाकी के जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसा ही बना देंगे। तो देखिए जब हम नेक्स्ट मार्कर के टाइम यहाँ पर पहुँचेंगे तो तीन फंदे पहले तक हम इसको बुनकर कंप्लीट करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे। देखिए नेक्स्ट मार्कर के तीन फंदे पहले तक पहुँच गए हैं। आप देखिए यहाँ से दो फंदे ऐसे से उतारे और इस तरीके से दो का एक किया, धागा आगे लाइए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे और इस मार्कर को हम स्लिप कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अब ये जो दो फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम दो का एक करके बुनेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से नेक्स्ट मार्कर के तीन फंदे पहले तक हम फिर बुनेंगे। देखिए नेक्स्ट मार्कर तीन फंदे पहले, देखिए दो फंदे ऐसे स्लिप किए और दो का एक किया, एक फंदा उल्टा दिख रहा है, उल्टा बनाया, धागा पीछे, धागा स्लिप किया, ये दो फंदे हैं इनको आगे से निडल डालकर देखिए दो का एक किया, बाकी का हम पैटर्न ऐसे ही फॉलो करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए हमने अभी तक दो बार डिक्रीज कर लिया है। तो आपको क्या करना है, एक राउंड हम ये पूरा बुन लेंगे, जो जैसे फंदे दिख रहे हैं उनको वैसे। इसके बाद में जो तीसरी बार डिक्रीज करेंगे या तीसरी बार जब हम घटाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही घटाएंगे जैसे कि हमने पहली बार घटाया था। पहली बार में हमने चार फंदे पहले तक बुन के फिर घटाया था। ठीक है, इसके बाद में आप पूरा एक राउंड बनाएंगे, फिर जो हमने अभी घटाया है उसको हम तीन फंदे जब बचेंगे तब तक बुनकर फिर हम घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हुए आप इसको घटाइए, लास्ट में आपके पास करीब करीब 48 फंदे बचेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने ये कैप कंप्लीट कर लिया है, तो लेकिन मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जब 48 फंदे रह जाएं, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, पहले हम देखिए एक बार घटाते थे फिर एक पूरा राउंड बुनते थे, फिर एक बार घटाते थे फिर पूरा एक राउंड बुनते थे। लेकिन जब 48 फंदे आपके रह जाएँ तब आपको क्या करना है, आपको हर राउंड में घटाते हुए जाना है। इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक राउंड बुन देंगे फिर एक राउंड सीधा बुनेंगे फिर एक बार घटाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हम 48 फंदे जब 48 फंदे रह जाएं तो हम हर बार में घटाते हुए गोल गोल बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में आपके 18 फंदे जो भी फंदे आपके बचे तो आप उसको वहाँ पर सुई से ले कर एक साथ घुमाते हुए बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये कैप देखिए रेडी हो जाएगा और ये देखिए इसका डिज़ाइन, ये देखिए इस तरीके से आएगा, काफ़ी स्ट्रेची है ये देखिए। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक डमी में डालकर दिखा देती हूँ। तो देखिए डमी में पड़ने के बाद में ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। देखिए इसकी ये शेपिंग यहाँ पर, ये देखिए कितनी अच्छी सी आई है देखिए पूरा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप छोटे साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें, आप जो भी फंदे डालें वो 6-6 के पैटर्न में हो। तो इस तरीके से आप इसको फिर आप उसको तीन हिस्से में कर लीजिएगा, फिर बीच में जो फंदे रखने हैं उनको रख लीजिएगा और इसी तरीके से घटाते हुए आप इसको बना सकते हैं। तो इस कैप से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा।